नमियुन अनंत जिने तिहु अण वरनाण दन सण पई वे बंधोदय संत जुय पूछाम थवम निसामी हा। इसमें यह स्पष्ट हुआ कि नित्यत्व से जो कर्म बंधते हैं वो 16 कर्म होते हैं। नित्यत्व नपुंसकवीर नरकायु नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी एकेंद्रीय जाति विकलेंद्रीय जाति तीन द्विंद्री त्रिंद्री चतुरेंद्री पुंड संस्थान असंप्राप्त त्रिपाटी का संघनन आतप स्थावर सूक्ष्म साधारण और अपर्याप्तक। तो ये मिथ्यात्व में विच्छेद को प्राप्त हो जाता है, मिथ्यात्व के ऊपर बनती होता है। और इसमें एक प्रश्न हमने पूछा था, जैसे जब कर्मकांड बढ़ा रहे थे संभवतः पनागर की बात है, वो ललितपुर में शुरू हुआ था कर्मकांड और बिहार में जहां जहां रुकते थे वहां पढ़ाते थे। तो उसमें वो जो विसंयोजना करने वाला कोई जीव है, अनंतानुबंधी कषाय उसके है नहीं, न उदय में है न सत्व में है, वो पर प्रकृति रूप संक्रमण हो चुका है, उसका विसंयोजना की गई है। तो यदि उस जीव को मिथ्यात्व का उदय आ जाता है तो एक अवली तक अनंतानुबंधी संयोजित होकर फिर उदय में आ सकती है, एक अवली तक उसका अनुदय रहता है। तो मिथ्यात्व गुण स्थान में मिथ्यात्व का उदय है लेकिन एक अवली तक अनंतानुबंधी कषाय नहीं है। तब हमने आचार्य से पूछा था कि आचार्य एक आवली काल तक मिथ्यात्व का बंध कैसे होता है? क्योंकि अकिंचित कर का जो दर्शन है उसके अनुसार तो कषायों से ही बंध होता है। तो उनने बोला ये तो ज्वलंत प्रश्न है। वो फिर उसका उत्तर नहीं मिल पाया था उससे। फिर हाँ एक बार कहीं पर वाचना में ये बात उठी थी तो वहां उपस्थित कोई विद्वान थे, तो उन्होंने ये कहा था कि उस समय जो कषाय रहेगी उससे बंद होगा। स्थिति अनुभाग बंद कैसे पड़ेगा? तो बोले जो भी कषाय उदय में रहेगी उससे पड़ेगा। तो जोगा पैड़ी पदेसा खेदी अनुभागा कषाय दो हुंती अपरिण उच्छेण नहीं सुया बंध ठिरी कारण न थी। तो फिर अब तो खैर स्पष्ट हो गया कि अब वहां स्पष्ट हुआ कि नहीं पता नहीं, लेकिन यहां पर तो अपने पास तो उसका समाधान है पंचाष्टिकाय ग्रंथ के अनुसार और मूलाचार ग्रंथ के अनुसार। और एक बात है, अनंतानुबंधी कषायों की व्याख्या सर्वार्थ सिद्धि राजवार्तिककार कैसे देते हो? मिथ्यात्वम् अनुबध्नन्ति इति अनंतानुबंधिनः। अनुबध्नन्ति ये जो क्रियापद है, अनु उपसर्ग साथ बद धातु बंध अनु क्यों जोड़ दी? मिथ्यात्व का अनुबंध करने वाला मिथ्यात्व के साथ रहने वाले
अगर पहले गुण स्थान में जीव आया है, अनंतानुबंधी का उदय नहीं है, भले बाकी के कषायों का उदय है, तो वहां पर मिथ्यात्व के साथ इतना स्थितिबंध अनुभाग बंध बाकी के कषायों के उदय के रहते नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। अगर इतना ही होता है तो ऊपरी ऊपरी गुण स्थानों में जो बाकी के कर्मों का स्थिति बंध पड़ता है, अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व के अभाव में उसकी व्याख्या कैसे घटित हो? दसवें गुण स्थान में हाँ जी, जघन्य स्थिति बंध क्यों कहा? सर्वघाती कषायों के अभाव में। फिर पहले गुण स्थान में ही मिथ्या दृष्टि जीव को 30 कोड़ा कोड़ी सागर स्थिति बंध कहा, ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय कर्म का वेदनीय कर्म का मिथ्यात्व की भूमिका वहां पर अहम है, उसके साथ अनंतानुबंधी भी उतने ही अहम है। प्रथम गुण स्थान में ही मिथ्यात्व का उत्कृष्ट सेवन। और संगी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि को ही होता है, असंगी जीव के इतना स्थिति बंध नहीं होता। स्वयं मोहनीय का नहीं होता, लब्धि सार में आया है, किसको कितना होता है, असंगी को कितना, उससे नीचे कितना। जब जीव ऊपर के गुण स्थानों में चढ़ता है तो उन जीवों का उदाहरण देकर उन्हें जितना बंध पड़ता है उतना यहाँ पड़ता है, मतलब कम होता जाता। लब्धि सार में ये बिल्कुल प्रकरण आया हुआ। तो वहां पर आपने जो प्रश्न पूछा, बहुत मार्केदार प्रश्न पूछा, अनंतानुबंधी का उदय नहीं, स्थिति बंध इतना कैसे पड़ेगा, मिथ्यात्व तो अकिंचित कर है, तो वहां इतना स्थिति बंध कराने वाले कौन? जो अनंतानुबंधी स्वयं अपने ऊपर 40 कोड़ा कोड़ी सागर से अधिक स्थिति नहीं डाल सकती, हाँ वो दूसरे पर 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति डाल सकती है, ये थोड़ा विचारणीय लगता है। कोई कुछ भी कहे, आगम प्रामाण्य सर्वतोपरि। पर आगम से ही अर्थापत्ति निकाल निकाल कर ये सारे विचार सब जगह फैल जाते हैं। इसके पीछे जो कारण है विचारणीय है। स्वाध्याय तप के 5 भेद बतलाते समय धर्मोपदेश अंत में क्यों रख? वाचना क्रम में कोई हेतु है, निश्चित, सामान्य नहीं। बिल्कुल जैसे नवदीक्षित साधु की मुख शुद्धि कब की जाती है? दीक्षा के दिन नहीं, कुछ दिन बाद, माह बाद उसकी परिपक्वता दे। ठीक है, तब वो दीक्षा कहलाती है। मुख शुद्धि होने पर वो दीक्षा पूर्ण होती हाँ है। ये चीज आचार्य श्री ने कही थी हमसे कि ये विषय भी हमें उनको इसका वो नहीं मिल रहा था कि ऐसा क्यों,
क्योंकि उनके पास वो आ नहीं रहा था उसका स्पष्टीकरण। तो कोनी जी की बात है, ये सन 89 या 90 की बात है, तब उन्हें ये बात कही थी कि ऐसे कुछ विषय हैं जो अभी तक मुझे अस्पष्ट है। ऐसा बोला था, जैसे आचार सार में लिखा था कि जब कोई मुनि आचार्य की वंदना करते हैं तो आचार्य मुनि की प्रतिवंदना करते हैं, आशीर्वाद नहीं देते। प्रति तो ये श्लोक भी उनके सामने आया था, तो हमने पूछा था कि महाराज जी, ये जो इसमें लिखा हुआ है इसका क्या लेना। बोले कि ये कुछ ऐसे विषय हैं जो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, ऐसा बोले। वो आशीर्वाद देते थे आचार्य श्री मुनियों को, जब वो नमोस्तु करते थे। ये उनका व्यक्तिगत हो गया, इसको अपन शास्त्र का प्रश्न था, उनका कोई अनादर या कुछ ऐसा नहीं करना था। केवल शास्त्र में जो लिखा था श्लोक ये था कि सुखेन आसीन मव्यग्रम सूरिम वंदे तु सम्मुखम वंदे हम इति विज्ञाप्य हस्त मात्रांतरस्थितः। इतनी दूर बैठकर, मतलब आचार्य से इतनी दूर बैठकर, एक हाथ का अर्थ होता है कोहनी से लेकर बीच मध्यमा तक, उतनी दूर बैठ करके कोई मुनि उनको उनसे अनुमति लेते हैं कि हे आचार्य भाई, मैं आचार्य वंदना कर सकता हूँ। वंदे हम, ये काकु प्रयोग है, वंदे हम वंदना कर लूं। तो आचार्य महाराज फिर अनुमति देते हैं और वो वंदना करते हैं। पूरे प्रमृज कर्तरि स्पर्श मात्मान्यां मात्मान मात्मांगान्यवनीम। फिर अपने अंगों को और अवनीम धरती को मार्जित करके फिर वो आचार्य वंदना करते। अब इसके बाद आचार्य क्या करते हैं, ये तो दो श्लोक हो गए। इसके बाद आचार्य के विषय में श्लोक लिखा है, ये आचार सार के दूसरे अधिकार का 62 नंबर का काव्य है। इसमें लिखा है, तीन चरण स्मरण में आ रहे हैं, बहुत पुरानी बात हो गई ना, 89-90 की बात। सपिच्छांजलि शालिना सदब्ज सूर्य आचार्येण कर्तव्यं प्रतिबंध। इतना स्मरण, पहला पहला चरण और देख लो। पश्वर्धशय्य या नम्य सपिच्छांजलि बालक। और वो जो भी मुनि है वो इस आसन में बैठ, पश्वर्ध शैया बोलते हैं, गाय ऐसे बैठती है हमेशा, उसका बायां पैर नीचे रहता है और ये दाहिना पैर ऊपर होता है। और सपित छांजलि बालक है, ये पिच्छी को अंजलि में रखकर बालक ललाट पर लगाते हैं। और फिर विगौरवादि दोषेण वंदना कर ली शिष्य ने। अब 62वें काव्य में लिखा है कि वे गौरवादि दोषी, गौरवादिक दोषों से विगत होकर, अर्थात आचार्य महाराज अभिमान आदि छोड़कर, सपित छांजलि शालिना और पिच्छी सहित अंजलि से शोभित होकर आचार्य सदब्ज सूर्य आचार्य साधु रूपी कमलों के लिए सूर्य के समान जो आचार्य हैं उनको कर्तव्यम
कर्तव्यम प्रतिबंधनम, जिन्होंने उनकी वंदना की है उन साधु की प्रतिबंधना करनी चाहिए। ये था माणिकचंद दिगंबर जैन ग्रंथमाला से प्रकाशित प्रति थी और निर्णय सागर प्रेस से मुद्रित थी। तो इसको आचार्य ने 3 दिन अपने पास रखा, इस प्रति को हम लेकर गए थे उनके पास, 3 दिन अपने पास रखा। फिर उनने इसका उत्तर यही दिया कि कुछ विषय स्पष्ट नहीं है, आए हैं शास्त्र में लेकिन अभी स्पष्ट नहीं हो पाए। तो फिर कुछ विषय में उनने, एक तो यही था, फिर उनको और भी कोई संदर्भ देना आवश्यक था, इसलिए उनने दूसरा संदर्भ ये दिया कि जो दीक्षा विधि है साधु की, उसमें मुख शुद्धि की क्रिया है, तो मुख शुद्धि की क्रिया जब दीक्षा विधि होती है उस समय नहीं होती है, कालांतर में होती है, और वो लगभग 1 महीने तक का उसका समय है, कुछ उसका शायद कुछ उसके भी नियम है, शायद महीने को नापने के कुछ नियम है। तो उतने दिन बाद वो दीक्षा पूर्ण होती है। तब आचार्य ने बोला था कि ये भी स्पष्ट नहीं होता मुख शुद्धि वाला, लेकिन आज हमें ये दोनों चीजें स्पष्ट हो रही है अभी इतना सब देखने के बाद। और आचार्य ने हमें कुछ और भी प्रश्न पूछे थे जब हम मिले थे पिछली बार। हाँ, उन्होंने 2 प्रश्न पूछे थे, एक शांति भक्ति के बारे में पूछा था, संपूजकानां प्रतिपालकानां के बाद एक श्लोक था, ये भीर्चिता मुकुट कुंडल हार रत्नैः शक्रादिभिः सुर गणैः स्तुत पाद पद्माः तेमे जिनाः प्रवर वंश जगत प्रदीपास तीर्थंकरा सतत शांति करा भवन। बोले कि ये कैसे बनेगा, ऐसा पूछा था। तो अभी इन सब के समाधान हमारे पास है, पर खैर हम मिल नहीं पाए उनसे अंत में। एक एक और प्रश्न था उनका, अभिनवमी सकल कलुषप, ये आचार्य भक्ति आती है ना बड़ी वाली, उसमें एक श्लोक था कि अंत अंत का एक श्लोक है। आचार्य ने पूछा हमसे कि ये तो आचार्य भक्ति है, फिर इसमें सिद्धों का वर्णन क्यों कर रहे हैं? आपको पता है? श्लोक निकालना, हाँ, अंत में उस भक्ति का एक वैशिष्ट्य है, वंदना वाला क्रियापद अंत में रखा गया। बिल्कुल, पूज्यपाद आचार्य महाराज ने अंत में रखा है, ठीक, कहीं 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 विशेषणाभि शुरू में भी रखा, कहीं कहीं शुरू में भी रखा। देखो हम निकालते हैं, ये हाँ, यहां से स्टार्ट करो, सिद्ध गुण स्तुति निरतानुद्धूत रुषाग्नि जाल बहुल विशेषान गुप्तभिरभि संपूर्णान मुक्तियुत सत्य वचन लक्षित भावान। अंत में देखिए, अभिनव में सकल कलुष प्रभवोदय जन्म जरा मरण बंधन मुक्तान शिव मचल मनघ मक्षय मव्याहत मुक्ति सौख्य स्तुति सततम। तो उनका ये कहना था कि पूर्वार्ध में तो ठीक है, नहीं उत्तरार्ध में तो ठीक है कि शिवम अचलम अनघम अक्षयम अव्याहत मुक्ति सौख्यम, जो शिव स्वरूप है, अचल है, निष्पाप है, अक्षय है, ऐसा जो अव्याहत मुक्ति सुख है वह सततम अस्तु, हम आचार्य भक्ति करने वालों को हमेशा के लिए प्राप्त हो जाए, प्राप्त हो। ये तो ठीक है। लेकिन इसके पहले वाली पंक्ति जो है पूर्वार्ध, उसमें उनका प्रश्न था कि अभिनवमी सकल कलुष प्रभवोदय जन्म जरा मरण बंधन मुक्ता, संपूर्ण कलुष से उत्पन्न होने वाला
सकल कलुष प्रभव है, अर्थात सकल कलुष के प्रभव यानी जन्म से उदय को प्राप्त, जन्म जरा और मरण के बंधन से जो मुक्त हैं उन आचार्यों की मैं अभिनमन करता हूँ, अभिनौमी उनकी अभिष्टुति करता हूँ। ये हो गया। तो उनका प्रश्न था कि ये तो सब सिद्धों के विशेषण, तो आचार्य भक्ति में आचार्यों को सिद्धों के रूप में क्यों नमस्कार कर रहे हैं, ये प्रश्न है। तो बहुत वर्षों लग गए हमें इसका उत्तर निकालने में, तत्काल हमने उत्तर नहीं निकाला है। मतलब हम प्रतीक्षा करते हैं कि हम कई बार उतावली नहीं करते, हम जिनवाणी माता से बोलते हैं कि माता बस आप कृपा करना, तो उत्तर मिले भले देर देर से मिले लेकिन मिले, तो फिर उसका उत्तर हमें मिल गया बाद में। तो इन सभी के हमारे पास उत्तर थे, वो दीक्षा वाला भी मुख शुद्धि का है उसका भी उत्तर था, फिर वो जो आचार्य प्रतिवंदना करते हैं उसका भी उत्तर था, फिर ये शांति भक्ति में जो गीत भर चिता मुकुट कुंडल हार रत्नी, इसका भी उत्तर है और फिर इसका भी उत्तर है। बहुत अनोखी चीजें हैं ये चार प्रश्न थे उनके गुरु के, और इन चारों के उत्तर हमें मिल गए। ठीक है, पेपर देते समय हमने 3 घंटे में तो उत्तर नहीं दिए लेकिन कई वर्षों में हमें इसके उत्तर मिले, पर इस भाव में मिल गए, ये बहुत खुशी की बात है। तो कभी हम बता सकते हैं आप लोगों को कभी, अगर उसका ऐसा प्रश्न निकले और आपको उस प्रश्न समझ में आ गया क्या, तो उसके उत्तर भी अपन कभी देख लेंगे। और खास बात ये थी, हम क्या बताने जा रहे थे, मिथ्यात्व। अब ये जितने स्वाध्याय सुनने वाले लोग हैं संभवतः उनमें से कुछ ऐसे सदस्य होंगे जिनने वो स्वाध्याय भी सुना हो हमारा जिसमें हमने बताया है कि ये स्थिति और अनुभव किम प्रत्ययिक, किस प्रत्यय से होता है, किस कारण से होता है। सामान्यतः तो एक गाथा सबको रटी हुई है, जोगा पैड़ी पदेसा ठिदि बनुभागा कसाय दो हंती और अपरिणत छिन्न नहीं सुया बंदर ठिदि कारणम न। ये गाथा सबको पता है, कहीं कहीं पाठ भेद है, पूर्वार्ध उत्तरार्ध में थोड़ा सा अंतर, पर ये एक पद तो बिल्कुल वही है, योग से प्रकृति और प्रदेश बंद होता है अर्थात आश्रम, और कषाय से स्थिति और अनुभाग बंद होता है अर्थात बंद होता है। तो फिर तत्वार्थ सूत्र के अष्टम अध्याय में जो 5 प्रत्यय दिए उनसे क्या होता है, मिथ्या दर्शन आविरत प्रमाद कषाय योगा बंधे, तब 57 आश्रव होता है वहां पर। तो फिर ये 57 क्या करते हैं, क्या इनसे बंद नहीं होता, मिथ्यात्व से बंद नहीं होता, फिर अविरति को वो कषाय में ले लेंगे क्योंकि 3 प्रकार की अविरति बताई, तो उससे हो जाएगा बंद, अविरति से बंद होने में आपत्ति नहीं। फिर प्रमाद, प्रमाद भी कथनचित कषाय का ही भेद, एक ठीक है, और कषाय कषाय ही है और योग। तो पंचास्तिकाय ग्रंथ के स्वाध्याय में बहुत खास बात निकली, अपन ने कौन सी गाथा देखी थी पंचास्तिकाय की, 107 या नहीं 133 32 हाँ कुछ 38 ऐसा कुछ था, निकालते हैं। एक सौ अड़तीस 148 जोग निमित्त मण जोगो मणवेण काय संबोधो भाव निमित्तो बंधो भावो हृदि राग दोष मोह जुदो, ये गाथा था 148वीं गाथा। और यही गाथा मूलाचार ग्रंथ में भी थी, तो अभी यहाँ पर जो भी श्रोता सुन रहे हैं जो थोड़ा सा स्वाध्याय कर चुके हैं वो अगर
इस समाधान को आज सुनना चाहते हो तो अपन इसको अभी ले सकते हैं। मूलाचार का उत्तरार्ध है, गाथा 968 है, 968 है। बंधम बंध कारण च प्रतिपादय नाह, बंध और बंध के कारण का प्रतिपादन करने वाले आचार्य वट्टकेर स्वामी गाथा कहते हैं। जोग निमित्तं गहनं जोगुम्मण वेण काय संभुदो, भाव निमित्तो बंधु भावो हृदि राग दोष मोह जुदो। कर्मणो ग्रहणं योग निमित्तं, कर्मों का जो ग्रहण होता है अर्थात कर्मण वर्गणों का कर्म रूप से जो ग्रहण होता है वो कर्मणः ग्रहणं, कर्म रूप से जो ग्रहण होता है वो योग हेतु होता है, मन वचन का योग से होता है। योग प्रकृति बंधम प्रदेश बंधम चक्कर होती इति, योग प्रकृति और प्रदेश बंध का करता है इसलिए। अतः को योग है इत्याशंकायाम, योग क्या वस्तु है? योग के कोश में 32 अर्थ है, लेकिन जैन शास्त्रों में उन 32 अर्थों से भिन्न दो अर्थ और हैं। तो यहां कहते हैं कि वो योग क्या है, एक अर्थ तो ध्यान है योग का। आप पद्मनंदी पंचविंशति का एक श्लोक है, साम्यम स्वास्थ्यम समाधिश्च योगश्चेतो निरोधनम शुद्धोपयोग इत्येते भवन्ते एकार्थवाचकः। योग का अर्थ शुद्ध उपयोग, निर्विकल्प ध्यान को योग कहते हैं। ये एक अर्थ जैन शास्त्रों में ही है, अन्यत्र नहीं है, अन्यत्र 32 अर्थ है। फिर योग का दूसरा अर्थ ये है जो जैन शास्त्र संबंधित है कि योगश्च मनोवचन कायेभ्यः संभूतः मन प्रदेश परिस्पंदो वाक् प्रदेश परिस्पंद काय प्रदेश परिस्पंद मनो वाक् काय कर्म योग इति वचना। योग जो है मन वचन काय से उत्पन्न होता है। कैसे उत्पन्न होता है? तो मन संबंध मन के प्रदेशों का परिस्पंद अथवा मन से होने वाले आत्म प्रदेशों का परिस्पंद, वचन से होने वाले आत्म प्रदेशों का परिस्पंद और काय से होने वाले आत्म प्रदेशों का परिस्पंद मनो वाक काय कर्म योग इति वचना। ये वचन है शास्त्र। फिर भाव निमित्त तो भाव हेतु को बंध, भाव निमित्त तक जो बंध होता है वो कौन सा है? ये तो द्रव्य बंध हो गया ना, परमाणु थे, परमाणु अब जैसे आटा था उससे रोटी बन गई है ना, अब उसमें जो नमक और भी चीजें डली, बिर्रा की रोटी वगैरह जो बनती है जो भी कुछ आइटम्स डालते हैं तो वो जो टेस्ट देने वाला वो भाव बंध है। आटे से रोटी बनी वो तो द्रव्य बंध हो गया, आकार वो परमाणु बंध गए, एक दूसरे से स्कंद बन गया और फिर एक आकार बन गया। अब इसी तरह यहां पर कह रहे हैं कि वो जो कार्मण वर्गणा के परमाणु थे वो ज्ञानावरण आदि कर्म की में रूपांतरित हो गए और आत्मा के साथ चिपक गए, आत्मा के साथ आत्म प्रदेशों में लग गए, प्रवेश हुआ उनका। अभी कितने काल के लिए चिपकेंगे और कितनी शक्ति के साथ चिपकेंगे ये भाव बंध है। तो भाव हेतु को बंध संश्लेष, संश्लेष का अर्थ होता है जैसे दूध और पानी एक दूसरे में चले जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, अथवा दूध में शक्कर घुल मिल जाती है, अथवा पानी में नमक घोल देते हैं तो वो पूरा घुल जाता है। इसी प्रकार आत्मा में ये जो परमाणु कर्म पर्याय को प्राप्त ज्ञानावरण आदि कर्म बने हैं वो आत्मा के हर प्रदेश में आकर चिपकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने आंखों से देखकर कोई गलत विचार किया तो फिर वो यहाँ आकर के वो कर्म चिपके, वो संपूर्ण आत्मा में कर्म बंधित है, आत्मा के प्रत्येक प्रदेश में कर्म बंधित है, किसी स्थान विशेष में नहीं होता। सर्वात्म प्रदेश। हाँ बिल्कुल, कोई अभक्ष खाता है तो उसको सिर्फ जीव वाले आत्मा प्रदेशों में कर्म बंध नहीं होता, उसको संपूर्ण आत्मा में कर्म बंध होता है। तो वो बंध कौन सा है? भाव हेतु बंध। तो बोले संश्लेष स्थित अनुभाग रूप,
स्थिति और अनुभाग रूप बंधन, और वो बंधन स्थित अनुभाग रूप कषायतः इति वचनात्, ऐसा वचन है आगम का, सिद्धांत का, स्थिति और अनुभाग कषाय से होते हैं। अतः को भाव, अब वो कषाय भाव क्या चीज है जिसमें कषाय को उन्होंने यहाँ प्रदान किया है, तो वो कौन सा भाव है जिससे ये बंद होता है स्थिति और अनुभाग, इति प्रश्न, ऐसा प्रश्न उठने पर भावो रति राग द्वेष मोह युक्तो मिथ्यात्वा संयम कषाया इत्यर्थ इति। वो भाव क्या है, रति यानी प्रीति, और क्या है राग, राग का अर्थ लगाव, द्वेष नफरत, मोह भ्रांति, इनसे युक्त वो भाव होता है। और दूसरे शब्दों में कहें तो मिथ्यात्व तो असंयम और कषाय, ये स्थिति और अनुभाग बंद करने वाला भाव है, मिथ्यात्व तो असंयम और कषाय, स्थिति अनुभाग बंद करने वाला भाव मिथ्यात्व तो असंयम और कषाय, ध्यान देना, अकेले कषाय नहीं, कषाय अंत्य दीपक है। इसी की व्याख्या, इसी गाथा की व्याख्या जैसे नाचार्य महाराज ने भी की है, उस पर एक दृष्टिपात करते हैं हम। जैसे नाचार्य लिखते हैं, अमृतचंद आचार्य महाराज ने भी उसके विषय में लिखा है, ग्रहण में कर्म कुद्गलानां जीवन प्रवेश वर्ति कर्म स्कंधानुप्रवेश तत्फल योग निमित्तम। कर्म कुद्गलों का जो ग्रहण होता है, जीव के जो प्रदेश, असंख्यात प्रदेश होते हैं प्रत्येक जीव में, असंख्य या प्रदेश है धर्माधर्म एक जीवन, तो उसके प्रदेशों में वर्तने वाला जो कर्म स्कंदों का अनुप्रवेश, वो कर्म स्कंद का अर्थ होता है कार्मण वर्गणा, वो जीव के प्रदेशों में ही है, लेकिन अब उन कार्मण वर्गणाओं का अनुप्रवेश होगा। कैसे अनुप्रवेश होगा, वो उसकी पर्याय बदल जाएगी, जैसे आटे से रोटी की पर्याय बनी, वैसे कार्मण वर्णा से ये कर्म रूपी रोटी बनेगी, ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि ये रोटी बनेगी कार्मण वर्णा के परमाणु स्कंदों से, तो वो अनुप्रवेश है। तत्खलु योग निमित्त, वो निश्चित रूप से योग के निमित्त होता है, योग निमित्तक होता है। योगो, योग क्या वस्तु है, वांग मन काय कर्म वर्गणा लंबन आत्म प्रदेश परिस्पंद। देखिए कितनी बड़ी बात है, मन वचन काय का परिस्पंद योग नहीं है, मन वचन काय की वर्गणा का आलंबन लेकर आत्मा के प्रदेशों का जो परिस्पंद है वो योग है। बंधस्तु, किंतु वो बंद क्या चीज है, ये तो प्रवेश हो गया, आश्रय हो गया, अब बंद क्या वस्तु है, तो कर्म कुद्गलानाम, कर्मों के जो कुद्गल हैं उनका विशिष्ट शक्ति परिणाम, मेन विशिष्ट शक्ति रूप परिणाम पूर्वक अवस्थानम, ठहर जाना। आत्मा में कोई कर्म बांधा आपने, अब मान लो आपने किसी को पत्थर मारा, किसी जानवर को, या फिर और कोई ऐसा कुछ काम किया आप, या किसी को देख करके कुछ उल्टा सीधा सोच लिया, यहां से पानी आ रहा है, तो उससे क्या हुआ, कर्म बंद हुआ, तो वो जो बंद हुआ है आपने जितने तीव्र भाव से वो कर्म बांधा है, बंधे हुए कर्म में भी उतनी तीव्रता आ जाएगी, समझना इस बात को, हम बहुत सरल शब्दों में बता रहे हैं, आप इधर उधर ध्यान मत देना, कोई चीज कठिन होती है ना तो ध्यान बढ़ जाता है, तो आप सावधानी से सुनिएगा, श्रोतारा सावधान तया श्रृण्वन्ति,
जितनी तीव्रता से अपन ने कर्म को बांधा है, कर्म में उतनी तीव्रता आ जाएगी, बंधे हुए कर्म में। आप जितना नमक डालोगे आटे में, वो रोटी उतनी खारी हो जाएगी। जितना मिर्ची डालोगे उतनी तीखी हो जाएगी। बस यही बात है कि भाव निमित्तक जो बंध होता है, उससे बंधे हुए कर्म में शक्ति आती है, इंटेंसिटी, पावर। देखो, अयश कीर्ति का उदय कईयों को आता है, लेकिन सीता जी को जिस अनुभाग के साथ उदय आया, तो राम को उनका त्याग करना पड़ा। इतना प्रचंड उदय आ गया। और चौथे गुण स्थान तक रहता है उदय अयश कीर्ति का। अनुव्रति होने के बाद, महाव्रति होने के बाद उदय नहीं होता है अपयश का। जब तक व्रत नहीं है तब तक होता है उदय। तो जिस तीव्रता से बांधा था, उतनी तीव्रता के साथ वो उदय में आता है, हिला डालता है। बड़े बड़े सूरमा भी मिट्टी में मिल जाते हैं, ऐसे कर्म की शक्ति होती है। तो वो बंध कैसे होता है? तो बोले कि सपुनर जीव भाव निमित्त। जीव भाव, उस जीव का भाव क्या है? कि पुनः रति राग द्वेष मोह युक्त। रति यानी प्रीति का भाव है, राग यानी अनुराग है, द्वेष द्वेष का अर्थ घृणा है, तो मोह मोह का अर्थ भ्रम, गलत फहमी। इससे युक्त जो भाव होता है, सीधा सीधा दूसरे शब्दों में आचार्य कह रहे हैं, मोहनीय विपाक संपादित विकार है इत्यर्थ। मोहनीय के फलस्वरूप जो विकृति आत्मा के भावों में आई है, बस वही भाव है, जीव का भाव है। तदत्र तो उसमें उद्गलानां ग्रहण हेतु तो बहिरंग कारण योग। उद्गलों के ग्रहण करने में हेतु होने के कारण कर्म बंध का बाह्य कारण योग। और विशिष्ट शक्ति स्थिति हेतुत्वाद, विशिष्ट शक्ति और विशिष्ट स्थिति यानी टाइम पीरियड, कितनी देर कितने समय तक वो कर्म बंधा रहेगा। एक जीव अगर मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति बांध ले तो 7-24 ही मोक्ष चले जाएगी, तब जाकर के उसका अंतिम निषेध झड़ेगा। 70 कोड़ा कोड़ी स्थिति किसको कहते हैं? सबसे अधिक स्थिति मिथ्यात्व की होती है, 70 कोड़ा कोड़ी साधन। यानी 7 बार 24 तीर्थंकर मोक्ष चले जाएंगे, तब अपना बंधा हुआ वो मिथ्यात्व, एक समय में बंधा हुआ मिथ्यात्व, वहां पर जाकर अंतिम निषेध उसका झड़ेगा। तो अंतरंग कारण जीव भाव ही है। तो अंतरंग कारण जीव का भाव ही है, ऐसा निश्चित करना। और भाव क्या है? रति राग द्वेष और मोह, इनसे युक्त भाव है। अब जैसे नाचार्य महाराज इसका खुलासा करते हुए लिखते हो, अथ बहिरांतरंग बंध कारण उपदिशति। अब बाह्य और अंतरंग बंध का कारण क्या है, इसका उपदेश करते हैं। योग निमित्तेन ग्रहणम कर्म पुद्गलादानम भवति। योग के निमित्त से ग्रहण होता है, कर्म रूप पुद्गल का आदान होता है, कर्म रूप कारण वर्गणा का पुद्गल कर्म रूप में ग्राह्य हो जाता है। योग इति को अर्थ, योग इसका क्या है? जोगो मन वयन काय संबोधन। योग मन वचन काय से उत्पन्न होता है। योगो मनो वचन काय संभूत निक्रिय निर्विकार चित ज्योति परिणामाद भिन्नो। क्रिया रहित, विकार रहित, जो चैतन्य ज्योति रूप आत्मा का परिणाम है, परम पारिणामिक भाव है, उससे भिन्न। परिणाम का अर्थ यहां स्वभाव लेंगे, उससे भिन्न मनो वचन काय वर्गणा लंबन रूपो व्यापार आत्म परे प्रदेश परिस्पंद लक्षणों वीर्यांतराय क्षयोपशम जनित कर्मादान हेतुभूत योग है। मन वचन काय की वर्गणाओं का जिसमें आलंबन रहता है और जो प्रवृत्ति रूप रहता है, अर्थात उसमें हलचली रहती है,
चेष्टा रहती है, उद्यम रहता है। सबसे खास बात, योग जो है एक प्रकार का उद्यम है। और धवला में तो बताया है कि वो उद्यम जब होता है तब मन वचन काय की प्रवृत्ति होती है। तो मन वचन काय की प्रवृत्ति को कार्य में कारण का उपचार करके योग कहा जा सकता है। वस्तुतः योग जो है वो अपने अंदर का वो प्रयत्न है। अपन जो बोलते हैं वो वचन योग नहीं है। बोलने के पहले जो अपन बोलने की चेष्टा करते हैं वो वचन योग है। अपन जो विचार करते हैं वो मनोयोग नहीं है। विचार के पहले जो एक शक्ति अपने अंदर काम करती है, जो विचार को प्रवृत्त करती है, वो मनोयोग है। अपन शरीर से कोई चेष्टा करते हैं तो शरीर से चेष्टा करने से पूर्व एक प्रयत्न होता है, फिर वो शरीर में हलचली उत्पन्न होती है। तो हलचली योग नहीं है, वो जो प्रयत्न है उसका नाम योग है। और वो योग नियम से कर्मों के आश्रव की शक्ति, जो विसरसोपचय के रूप में अपने कारमण शरीर के साथ कारमण वर्गणाएं चिपकी हुई है, जो कर्म नहीं है उनको कर्म बनाने का काम योग करते। ज्यादा कठिन तो नहीं हुआ? हम जो बोल रहे हैं ना, जो जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान लगाना। जो हमने वाक्य बोला और दो चार शब्द पहले आपको अटकना नहीं है। कई बार अपन कुछ शब्द सुनते हैं तो उसमें विचार करने लग जाते हैं तो आगे के शब्द अपने फिर चले जाते हैं। तो आपको पूरा फॉलो करना है एक एक शब्द को, तो आप पकड़ लेंगे। तो समझ में आया, बहुत गहरी बात है ये बहुत दुर्लभ भी है कि योग इसका नाम है। इसीलिए वहां पर तत्वार्थ सूत्र में उमा स्वामी आचार्य महाराज ने काय वांग मन कर्म योग लिखा है, काय वांग मन चेष्टा योग नहीं लिखा। चेष्टा नहीं लिखा, चेष्टा प्रवृत्ति है। कर्म का अर्थ है पुरुषार्थ, वो योग है। और व्यापार क्या है वो, कैसे आत्म प्रदेश परिस्पंद लक्षण, तो उस समय आत्मा के प्रदेशों में एक हलचली आती है। योग वीर्यांतराय क्षयोपशम जनिता, और उसमें वीर्यांतराय का क्षयोपशम आवश्यक होता है, उससे वो उत्पन्न होती है हलचली। और वो कर्मादान हेतु, नियम से कर्मों का आदान करने में हेतु होता है वो, उससे कारमण वर्गणा कर्म बन करके प्रवेश कर जाती आत्मा में। जब तक विसरसोपचय था तो उससे आत्मा को ना कोई फायदा था ना कोई नुकसान, लेकिन अब कर्म बन गया, कर्म बन गया वो, तो अब सारा नाटक होगा इसके बाद। अब ये बहिरंग बंध हो गया, योग निमित्त तक जो बंध है इसको बहिरंग बंध कह रहे हैं आचार्य। अब अंतरंग बंध क्या है, तो बोले भाव निमित्तो बंधो भाव निमित्तो भवति। भाव निमित्त तक जो बंध है वो भाव निमित्त तक होता है। सक वो कौन सा बंध है, सित्य अनुभाग रूप, एक कालावधि आ जाती है उस बंधे हुए कर्म, एक कालावधि का अर्थ होता है टाइम पीरियड आ जाता है। प्रकृति बंध जो है वो कर्मों की वैरायटी है। प्रकृति का मतलब जो ज्ञान को आवृत करने वाली कर्म प्रकृति है, वो ज्ञानावरण है, ये प्रकृति हो गई। दर्शन पर आवरण डालने वाली दर्शनावरण है, विघ्न डालने वाली अंतराय है, और यश देने वाली यश कीर्ति, साता देने वाली साता वेदनी है, ये प्रकृति बंध है। फिर प्रदेश बंध यह है, प्रदेश का अर्थ है परमाणु, क्योंकि एक प्रदेश स्थान परमाणु का होता है। तो आपको जो कर्म बंध हुआ है, क्या हो गया, आपको जो कर्म बंध हुआ है उसकी क्वांटिटी कितनी है, मात्रा कितनी है,
गेहूं लेकर आ जाओ। कितना लेकर आए? तो एक बोरा लेकर आ जाओ। तो वैसे ही कर्म बंद हो रहा है, कितनी मात्रा में हो रहा है, तो वो समय प्रबद्ध बताते हैं उसको। और समय प्रबद्ध जो है उसमें भी परमाणुओं में न्यूनाधिकता रहती है, कम ज्यादा परमाणु रहते हैं, कभी ज्यादा परमाणु आते हैं कभी कम आते, तो क्वांटिटी हो गई। तो योग से प्रकृति और प्रदेश बंद होते हैं, और स्थिति और अनुभाग बंद। स्थिति का अर्थ होता है तो उसकी एक्सपायरी डेट, दवाई जो रहती है ना उस पर लिखा रहता है शीशी पर एक्सपायरी डेट, कि वो इतने समय तक काम करेगी उसके बाद बेकार हो जाएगी, तो उसको फिर इस्तेमाल मत करना है। अभी हमारे पास आंखों के ड्रॉप्स थे तो हमने देखा उसको, तो उसमें तारीख लिखी थी फरवरी 2024, तो उसको हमने खाली कर दिया, अलग कर दिया, बाहर कर दिया, तो वो अब काम की नहीं थी। इसी तरह ये कर्म प्रकृतियां जो बंधी है, ये एक कालावधि तक आत्मा से चिपके रहते हैं ये कर्म, और उसके बाद जब उसका समय पूरा होता है तो वो निकलते समय झटका दे करके निकलते, अपना फल दे करके आप निकलते। जैसे चोट लगी उसके ऊपर, वो पट्टी लगाई उसने कंपाउंडर ने, और जब वो पट्टी निकालता है तब ऐसा हो जाता है। तो वैसे जब कर्म उदय में आता है माने फल देता है, तो ततश्च निर्जरा, उसके बाद वो अलग जर्जर झड़ जाता है, निर्जरा को प्राप्त हो जाता है, लेकिन निकलते समय वो आवाज करके जाता है, हल्ला मचा के जाता है। जैसे साइकिल में भी हवा भरी है तो आप उसमें से हवा निकालो फिर आवाज होती है, ऐसी आवाज होती है। तो वैसे कर्मों का तो ये स्थिति बंध, और अनुभाग बंध का अर्थ होता है कि वो कर्म आपको जो अनुभव करा रहा है, दुख का अनुभव, वो दुख तो दुख ही है, चाहे हमारा हो चाहे आपका हो, किसी का भी दुख, दुख तो दुख है। वो एक गीत मुकेश जी ने गाया था ना, वो नहीं, दुख मेरा हो कि दुख तेरा हो, दुख की परिभाषा एक, आंसू तेरे हो कि आंसू मेरे हो, आंसुओं की भाषा एक। गीतकार रविंद्र जैन थे, गाया मुकेश जी ने था। और ये गीत रविंद्र जैन आचार्य विद्यानंद महाराज जी को, आचार्य विद्यासागर महाराज जी को भी सुना चुके, जब वो हारमोनियम लेकर आते थे तो फिर वो गाकर सुनाते थे, उनको प्रिय था ये गीत। तो वो दुख जो है उसकी तीव्रता अलग अलग होती है, ज्यादा दुख कम दुख, ये क्या है? ये अनुभाग है। यानी आपने कितनी तीव्रता के साथ बांध बांधा है असाता का, वो जब फल देगा तो उतनी तीव्रता के साथ ही फल देगा, और मंदता के साथ बांधा तो फिर मंद फल मिलेगा। तो ऐसे ही चार प्रकार के बंधन। तो इसमें आचार्य कहते हैं कि भाव कथ्य थे। अब हम भावों के बारे में कथन करते हैं, भाव कहा जाता है कि ये भाव क्या वस्तु है, तो भावो रति राग दोष मोह जुदो, भाव जो है वो रति राग द्वेष और मोह युक्त है। रागादि दोष रहित चैतन्य प्रकाश परिणते पृथक, रागादिक दोषों से रहित जो चैतन्य प्रकाश की परिणति है, स्वभाव है, परिणाम है, परिणाम को ही परिणति कह रहे हो, तो ये पारिणामिक भाव है। बार बार पारिणामिक भाव को यहाँ लाते हैं वो आचार्य जैसे, तो उससे अलग भाव है ये विकारी भाव है। परिणाम, पारिणामिक भाव शुद्ध भाव है, तो उससे शुद्ध भाव से विरुद्ध है ये अशुद्ध भाव है। अत्र रति शब्द है ना, अब यहाँ रति शब्द से क्या लेंगे? तो बोले हास्याविना भावी नो कषाय अंतर्भूता रतिर ग्राह्य, हास्य की अविना भावी रति को ग्रहण करना, मैंने हास्य और रति दोनों को ग्रहण करना, रति शब्द से अकेली रति को नहीं लेना, हास्य और रति दोनों को लेना। राग शब्द है ना, तू राग शब्द से क्या लेंगे? बोले माया लोभ रूपो राग परिणाम ही थी, माया और लोभ कषाय रूप जो परिणाम होता है उसको राग परिणाम कहते हैं। यानी जब व्यक्ति माया और लोभ करता है तब वो रागी जीव है,
और द्वेष शब्द है ना, तो द्वेष शब्द से क्या लेंगे? क्रोध मान हरति शोक भय जुगुप्सा रिपु रूपो द्वेष परिणामो षट प्रकार होते। ये छह भाव लेंगे। जब क्रोध आता है, मान आता है, तब द्वेष होता है, उसको राग नहीं कहते, क्रोध मान को। और जब अरति यानी अप्रीति होती है, तब भी द्वेष है। शोक होता है तो भी द्वेष, फिर भय होता है तब भी द्वेष है, जुगुप्सा यानी ग्लानि होती है तब भी द्वेष। मोह शब्देन दर्शन मोहो गृह्यते इति, और मोह शब्द से दर्शन मोह ग्रहण किया जाता है। तो चैतन्य प्रकाश परिणते पृथक भूतो मिथ्यात्वादि कषाय आदि दर्शन चारित्र मोहनीय त्रीणि द्वादश भेदात भावो भवति। तो क्या क्या लेंगे उस भाव में? मिथ्यात्वादि लेंगे, कषाय आदि लेंगे। तो मिथ्यात्वादि में क्या आएगा? दर्शन मोह। फिर कषाय आदि में क्या आएगा? चारित्र मोह। और त्रीणी, फिर त्रीणी का क्या अर्थ लेना? द्वादश भेदात भावो, 12 भेदों से ये भाव विभाजित होता है, तीन इनवेट भेद आ जाएंगे। तो कैसे बना? देखो, 12 की संख्या लेना है। स्थिति अनुभाग बंध किससे होता है? इन 12 से। इन 12 के उदय से जो जीव में भाव आता है, उससे स्थिति और अनुभाग बंध होता है। कौन से 12 हैं? तो बोलते हैं कि एक तो मिथ्यात्व हो गया, जिसको मोह कहा है वहां, फिर दूसरा कषाय हो गए, क्रोध मान माया लोभ, ठीक है, फिर हास्य रति, ये दो हो गए, फिर मिथ्यात् क्रोध मान माया लोभ पांच हो गए, फिर ये हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, ये छह हो गए। तो कुल मिलाकर कितने हुए? 11 हुए। एक बचा तो वेद है, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, जिसको भी जो उदय में होगा वो उसमें आ जाएगा। तो इन 12 भावों से स्थिति और अनुभाग बंद होता है। कितनी बड़ी बात है? मिथ्यात्व को अधिकरण रूप मान उन्होंने हाँ, उन्होंने अधिकरण माना, यहाँ करण कह रहे हैं। अत्र यत कारणात् कर्मादान रूपेण प्रकृति प्रदेश बंध हेतुस तत कारणात् बहिरंग निमित्तम योगः। अब यहाँ जिस कारण से कर्मों को ग्रहण करने रूप प्रकृति और प्रदेश बंध में हेतुभूत होता है, उस कारण से बहिरंग निमित्त जो होता है कर्मों का, उसको योग कहते हैं। वो योग होता है। और चिर काल स्थायित्वेन स्थित अनुभाग बंध हेतुत्वात्, चिरकाल स्थायी रूप से स्थिति और बंध अनुभाग बंध के हेतु का हेतु होने से अभ्यंतर कारणम कषाया इति तात्पर्यम। अभ्यंतर कारण कषाय है, ऐसा तात्पर्य। यानी वो जो कषाय शब्द कह रहे हैं, वो अकेला कषाय नहीं है, क्योंकि 12 संख्या उन्होंने गिना दी है। तो आप 12 संख्या अगर गिनाई है, तो आप उसमें से सिर्फ क्रोध मान माया लोभ को लेकर के छुटकारा नहीं पा सकते। अगर छुटकारा पाएंगे तो बाकी 8 का क्या करोगे? तो ये पूरे 12 के 12 भाव जो है, ये स्थिति और अनुभंग बनती है। वही भाव ऐसा है जो अपने स्थिति बंध की मर्यादा का उल्लंघन करके ज्यादा स्थिति बंध कर सके। बहुत सुंदर प्रश्न है कि क्या कोई ऐसा भाव है इन 12 भावों में से जो किसी और कर्म की स्थिति खुद की स्थिति से भी ज्यादा बांध सके। जैसे अनंत अनुबंधी जो है, वो अपनी स्थिति 40 कोड़ा कोड़ी बांध लेता है,
लेकिन क्या वही अनंतानुबंधी किसी अन्य कर्म की स्थिति 40 कोड़ा कोड़ी के ऊपर की बांध सकता है? ये प्रश्न आता है। जबकि मिथ्यात्व प्रकृति स्व बंधी है। धौला की 8वीं पुस्तक में आया। तो वो तो पक्की बात है, स्वोदय बंदी तो है ही है, पर और उसमें हाँ, वो दो रास्ते निकालते हैं ना, स्वोदय बदनाती इति स्वोदय बंदी और स्वोदयेन बदनाती इति स्वोदय बंदी। लेकिन तृतीया और सप्तमी ये भेद करते हैं, पर बस ये जो प्रश्न है आपका वो मौलिक है, मतलब वजनदार प्रश्न है कि क्या कोई भी कर्म किसी दूसरे कर्म की स्थिति अपनी स्थिति से भी अधिक बांध सकता क्योंकि सबसे ज्यादा स्थिति सप्ततिर्मोहनीयस्य, है? निश्चित और उसमें भी मिथ्यात्व की 70 कोड़ा कोड़ी बिल्कुल, है, बंद योग्य तो वही है। चारित्र मोह की नहीं 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 है, बिल्कुल नहीं, और बाकी 4 कर्मों की 30 कोड़ा कोड़ी, नाम गोत्र और विंशति, ठीक है, और आयु कर्म की सागर में नहीं, 33 सागर है, कोड़ा कोड़ा कोड़ी कोड़ी नहीं है, नहीं है। कोड़ा कोड़ी नहीं मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के उदय के रहते नरकायु का बंध कर भी दिया, बहुवारंभ परिग्रहम नारकस्य आयुषः, 33 सागर मान लिया तो भी कोड़ा है। कोड़ी वाला नहीं। इसमें अनंतानुबंधी का भी उतना ही महत्व है। फिर बिल्कुल, ऐसा कौन सा भाव बताओ कि जो अपनी स्थिति से ज्यादा बनकर 70 कोड़ा कोड़ी तक जीव को ले जाएगा, बिल्कुल ठीक है, और उसके लिए संगी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि ही स्वामी क्यों बताया? कर्म भूमि का ही होना चाहिए। हाँ, क्योंकि भोग भूमि के जीवों के इतनी शुभ लेश होती है। हाँ तीव्र बिल्कुल कषाएं ठीक, हाँ ठीक नहीं होती। है ना। अब ये जो पंक्ति आई है बस यहाँ पर, विख्यात्वादि कषायादि दर्शन चारित्र मोहनीय त्रीणी, इसका क्या मतलब हुआ? दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय, तीन चारित्र मोह के दो भेद चारित्र मोह के नौ थे, कषाय और नौ कषाय। कषाय, ऐसे भेद हैं, और वहां दर्शन मोह तो दर्शन मोह हो गया, तो ऐसे तीन हो जाएंगे। ठीक है, द्वादश भेदात, सबसे बड़ी बात तो द्वादश भेदात जो दिया है उससे पूरा खुलासा हो जाता है कि इन 12 से स्थिति अनुभाग बंधुत है। ये पंचास्तिकाई की 148वीं गाथा की टीका अपन ने पढ़ी थी, और मूलाचार की 968वीं गाथा गाथा और टीका दोनों पढ़ी थी। तो गाथा तो दोनों में एक ही है, लेकिन टीका में थोड़ा सा अंतर। वट्टकेर उन्हें स्वीकार्य है या नहीं? नहीं, दोनों स्वीकार है, कुंदकुंद आचार्य अस्वीकार कैसे हो जाएंगे? कुंदकुंद आचार्य तो पहले स्वीकार है सभी, वटकेर आचार्य भी स्वीकार है ना, मूलाचार को कौन अमान्य कर सकता? मूलाचार्य के कर्ता कौन माने जाते? वटकेर आचार्य, कुंद कुंद तो नहीं, कुंद कुंद से अलग वट्टकेर है या अब ये एक? तो एक विचारणीय बात है, दो मतभेद है इसमें। संभवतः तो अपन ये मिथ्यात्व गुण स्थान में जो 16 प्रकृतियां बंधती थी उसके मिथ्यात्व गुण स्थान में उनकी भी च्युति होती है, अर्थात उसके ऊपर उनका बंध नहीं हो सकता। इसकी चर्चा करते करते अपन ने ये चर्चा निकाली कि ये प्रकृति प्रदेश स्थिति और अनुभाग बंध जो होता है वो कैसे होता है, तो उसका ये स्पष्टीकरण अपन ने पढ़ा अभी। फिर अनंतानुबंधी संबंधी 25 प्रकृतियों का वर्णन अपन पढ़ चुके थे, और उसमें कल रीच गोत्र आदि की चर्चा भी अपन ने की थी।
स्त्री वेद का बंध अनंतानुबंधी कषाय से ही होता, मिथ्या दृष्टि को भी इसी से होगा अनंतानुबंधी कषाय से। मिथ्यात्व के निमित्त से स्त्री वेह का बंध नहीं होता। कुछ लोगों का ऐसा चिंतन है कि जिस गुणस्थान में जो कषाय है उसी से सब प्रकृतियों का बंध होता, ऐसा कैसे हो सकता? जैसे मिथ्यात्व गुणस्थान वाले कोई मुनि है, वो अगर नवम ग्रह में जा रहे हैं तो उनको जो बंध हो रहा है देवायु का, वो अनंतानुबंधी कषाय से हो रहा है, ये बात कैसे बनेगी? अनंतानुबंधी कषायों के उदय के रहते अगर 25 का ही बंध हो सकता है ना। 31 सागर का बंध हो सकता है तो द्वीपायन के बारे में 33 सागर से नीचे अग्निकुमार जाति के देवों में उत्पन्न होने योग्य अपवर्तनाघात कैसे हुआ? यहाँ पल्य में आयु किन्नी है, महासागर में गिननी है, नीचे उतरते उतरते अनंतानुबंधि में आए, मिथ्यात्व में चले गए, तब भवनत्रिक में जन्म हुआ। पक्की बात है, क्योंकि सम्यक्व में अगर रहते अनुत्तरों का बंध जो होता है वो तो रत्नत्रय बिना हो ही नहीं सकता। 33 सागर बोल रहे हैं ना आप, तो 33 सागर का बंध तो बिना रत्नत्रय के होता ही नहीं है ना। ऊपर और बिना भावलिंगी साधु हुए कभी नहीं, तेजस रिद्धि जगत में किसी को प्राप्त हो कभी नहीं, नहीं सकती है क्या? हो ही नहीं सकता। भले उसका उपयोग शुभ करे या अशुभ, रिद्धि एक है। ठीक है ठीक उपयोग करते समय आपने कैसे किया, किन है हेतु से, भावों से किया, वह बात अलग है। ठीक है। तैतीस सागर की आयु बंध करने वाले मुनिराज, सम्यक है, भावलिंग है, परिणाम विशुद्धि है, चारित्र वर्धमान है, तब तेजस वृद्धि को लेकर 33 सागर की आयु बंध। की बात है, वो असल में उपसर्ग में क्लेशित हो गए थे, हाँ इतना भयंकर उपसर्ग हो गया उनके ऊपर। वो उपसर्ग का वर्णन अलग अलग ग्रंथों में आता है, हरिवंश पुराण में भी आता है और फिर अपने इसमें सप्त व्यसन चरित्र में भी आता है। मदिरा मदिरा व्यसन का जो वर्णन है, वो जी, शराब पी लिया उनने, उन राजकुमार और राजकुमारियों ने, और फिर उनके ऊपर कुछ उठ उठ पटांग हरकतें कर दी। पत्थर फेंके, मुंह हाँ बहुत उपसर्ग के से उपाय। अपशब्द बोले, पत्थर फेंके, मुंह से अपशब्द बोले तो बर्दाश्त से अधिक हो गया। बहुत ज्यादा हूँ ठीक है। फिर नीचे आ गए, वो मिथ्यात में आ गए और फिर भवनत्रिक में चले गए। भवनवासी देवगुण, कौन से देवगुण है? अग्नि कुमार। अग्नि कुमार अग्नि जाति कुमार के की थे, आयु कितने रहते हैं? डेढ़ पल्ले, डेढ़ पल्ले। डेढ़ पल्ले की आयु। हाँ हाँ, 33 सागर तैतीस कहाँ, सागर से डेढ़ डेढ़। पल्ले कहाँ। जो व्यक्ति पीएम बनने की योग्यता रखता है, उसे अगर गांव के पंचायत में चपरासी बना दिया तो कौन है वो बोलती हो? एक जो बात मैंने बोली थी, स्वाध्याय तब के अंत में धर्मोपदेश रखा, पहले हाँ जी क्या क्या महत्वपूर्ण बातें रखी, वाचना, पृच्छना, ब्रज वाचना की परिभाषा, ग्रंथार्थ उभय प्रदानम वाचन, शुद्ध उच्चारण करना, शुद्ध अर्थ करना और दोनों चीजों को समन्वित करना, शब्द और अर्थ दोनों का समन्वय करना, वो वाचना है। वाचना में कहीं पर संदेह उत्पन्न हो सकता है, हम छद्मस्थ है तो हाँ तो प्रश्न उत्पन्न होता जानकार व्यक्ति के पास प्रश्न करके समाधान कर लेना, है, प्रश्न स्वाध्याय होगा। अपना ही सब कुछ चलाना नहीं, ये नहीं। बहुत महत्व की बात, बहुत बड़ी बात कही आप।
मतलब आपने जो निर्णय कर लिया वही अंतिम निर्णय नहीं है, आपको अन्य सबसे पूछना होगा। और प्रश्न के दो दो उद्देश्य बताया राजवार्तिक कि प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं, तो ज्ञात से दृढ़ीकरणार्थम, अज्ञात से ज्ञानार्थम व प्रश्न क्रियते, जो जाना है उसको दृढ़ करने के लिए कि कहीं चूक तो नहीं है तो प्रश्न पूछे जाते हैं, और दूसरा जो जानकारी नहीं है उसको पाने के लिए प्रश्न पूछा जाता है। फिर उसके ऊपर चिंतवन है अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षण, बार बार विचार करना होता है कि अभी जो मैंने जो कुछ पढ़ा सुना समझा पूछा उसमें कैसे तालमेल बैठेगा, वो अनुप्रेक्षण। फिर भी परंपरा नहीं छोड़ते हुए सब गाथाओं का पाठ स्मरण करना होगा कि हाँ ये सब भावनाएं, भावनाएं, मतलब सारे गाथाओं को आपको करना होगा। और इसके बाद इसके बाद धर्मोपदेश, हम धर्मोपदेश बहुत देने बड़ी के बात, अधिकारी है। मन बिल्कुल ठीक है। में आया कुछ भी कहा, इसका नाम धर्मोपदेश नहीं हो सकता। लेकिन आजकल ये सब चल रहा है, इसलिए समाज एक चंद्रबिंब नहीं में है। इतने छिद्र, बिल्कुल चंद्रबिंब में इतने छिद्र दिखाई दे रहे। ठीक। चंद्रगुप्त सम्राट को एक अशुभ सपना आया था कि चंद्रमा में बहुत से छेद हो गए हैं, तो आचार्य भद्रभाव महाराज ने बता दें कि जैन धर्म में अनेक मतभेद हो जाएंगे इस सपने के फल से। एक-एक अक्षर को लेकर, आकार इकार उकार को लेकर मतभेद चल रहे। प्रणधि पर प्रणिधि पर दोनों पाठ आते हैं। प्रणति प्रणति बात, अप्रणति बात, प्रणति नहीं, प्रणधि। प्रणधि यानी ध्यान, परिणाम, एकाग्रता। हाँ, नियम सर में आया। प्रणिधि पर प्रणधि पर इससे दोनों पाठ है। और इसमें क्या बोलते हैं, सन्नधि नहीं है, सन्निधि है। स्थापना में वहां तो निधि शब्द से ही बना था, सब उपसर्ग लगा दिया और निधि शब्द, सन्निधि तरह सान्निध्यवाचक सान्निध्य, सन्निधि से ही सान्निध्य बना है। सान्निध्य सत्य। में न डबल है, सान्निध्य। सन्निधि और सान्निध्य दोनों में नकार है, द्वित्व नकार है ना, द्वित्व है, है, बिल्कुल और सान्निध्य यह तद्धितम बन गया। नियुक्त करके। हाँ जो निमित्त को गौण करते या उड़ा देते, वे अष्ट सहस्री का जो वाक्य है, तद असामर्थ्यम अखंड यत अखंड यत् अकिंचित करम कर्ण कथम सहकारी कारणम सहकारी कथम कारण, से, तो अखंडयत नहीं निकालना, असामर्थ्यम नहीं निकालना, तद सामर्थ्यम उसका सामर्थ्य, अखंडयत जो खंडित नहीं करता वह कैसे सहकारी कारण बनता है। उसका सामर्थ्य अगर है तो सहकारी की जरूरत क्या है, उसमें सामर्थ्य अगर है तो सहकारी की जरूर नहीं। पक्की बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। असामर्थ्यम अखंडयत् पर्याय रूप से व्यक्ति भवन करने में जो उपादान के पास असमर्थता है, उसका अगर सहकारी कारण खंडन नहीं करेगा तो वह सहकारी कारण कैसे बन सकता क्या है, बात है, ऐसा मूलभूत वाक्य है महाराज। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। हम बहुत वर्षों से सोच रहे हैं कि इस पंक्ति का सही अर्थ क्या है, बहुत सही अर्थ निकाला आपने। तद असामर्थ्यम अखंडयत खंडन अखंडयत का अर्थ क्या लिया आपने, नहीं करता हुआ, उसकी असमर्थता को। खंडन अगर नहीं करता है, खंडित नहीं करता हुआ ठीक है, वकाधारी रूप है, तो उसकी असमर्थता को खंडित न करने वाला सहकारी कारण कैसे हो सकता है। हाँ, किंचित करम किंचित कर
सहकारी कारण अकिंचित कर कैसे हो सकता, अर्थात वो नहीं, किंचित कर है। अखंडयत जो खंडित नहीं कर रहा है इसलिए अकिंचित कर कहा जाएगा, तो वह सहकारी कारण कैसे कथम हो? स्यात, ये बात हाँ, बहुत सुंदर। तीन जगह पर अकार है, असामर्थ्यम, बिल्कुल, अखंडयत अखंडय, अकिंचित कर्म, बिल्कुल अकिंचित करम, कथम सहकारी कारणम स्यात। बहुत सुंदर, कितना अद्भुत। यानी निमित्त कुछ नहीं करता हाँ, ऐसा कहने वालों को आचार्य अकलंक देव ने, ये अष्टशती की पंक्ति है, ये अष्टसहस्त्री में भले ही इसका विस्तार आया हो लेकिन ये मूलतः अष्टशती की पंक्ति है। तो अष्टसहस्त्री विद्यानंद जी के द्वारा लिखी है और अष्टशती अकलंक देव की है, तो उसमें ये पंक्ति आई है कि उपादान की असमर्थता को अगर दूर खंडित न नहीं करने कर, वाला अर्थात अकिंचित कर, जो निमित्त को अकिंचित कर कहते हैं ना कि निमित्त कुछ नहीं करता, वो अकिंचित कर सहकारी कारण कैसे हो सकता है। शास्त्रों में बताया ना, सहकारी यानी उसके सहयोग से ही सब काम हो रहे हैं। और निमित्त की व्याख्या बतलाते समय पंडित कोठारी कहा करते थे, निवेदति हाँ जी, सहकरोति इति निमित्तम, निमेदति निवेदयति निमेदति मे, हाँ, निमेदति। निमेदति अच्छा, सहकरोति इति निमित्तम। ऐसा क्या। हाँ नहीं तो सहकारी क्यों कहना, सहचारी मान हाँ लो, गाय हाँ ठीक है, बिल्कुल सही, सहकारी है, के दोषी। डोकरी धातु का प्रयोग है, हाँ, सहकारी, बहुत सही। गाय के दो सिंह, सहचारी है सहकारी नहीं, तो ठीक है, उपादान के साथ निमित्त को सहचारी मान लो। वे क्या कहते, निमित्त वहां होता ही है तो सहचारी मान लो। देखो जो होता है उसको अगर निमित्त मानेंगे तो फिर आप रोटी बना रहे हैं तो वहां पर रसोई घर में निगोदिया जी भी है तो उनको भी निमित्त मान लो रोटी बनाने में। तो फिर रसोई कुकी की जरूरत क्या? तो घर में कॉकरोच भी है तो उसको भी रोटी बनने में निमित्त मान लो, तो शेफ ऐसे की कोई जरूरत ये नहीं। उल्टे सीधे व्याख्या नहीं चलेगी। रिकॉर्डिंग करने हेतु जो यंत्रणा आवश्यक है उसमें क्या चटाई की जरूरत है? चटाई निमित्त है क्या? नहीं, चटाई आप चाहे तो आसन के रूप में यूज करें, ठीक है ना, नहीं चाहे तो भी चले। ये इसीलिए आप्त परीक्षा की 9वीं कारिका की टीका में लिखा ना कि जिसके होने पर कार्य होता है और नहीं होने पर नहीं होता उसका नाम निमित्त है। हाँ, और इसीलिए अकलंक देव ने तत्वार्थ सूत्र के 5वें अध्याय में एक वार्तिक दिया, जहां अनेक द्रव्यों का अन्य द्रव्यों पर अनुग्रह बतला रहे हैं। हाँ जी, एक जगह पर एक वाक्य आया है, कार्यस्य अनेक उपकरण साध्यत्वा। एक मिनट, हम बीच बाहर हो क्या, महाराज,